अगर संपूर्ण स्थल मंडल और जल मंडल को मिला लिया जाए तो ये होगा आपका 0.067%। ठीक है, इसमें दोनों शामिल हैं, स्थल मंडल और जल मंडल। अगर केवल स्थल मंडल की बात करता है, केवल स्थल मंडल, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 0.। वही बात करें अपने महाद्वीप के संदर्भ में, वो सॉरी 0.25%। और एशिया के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो ये होगा 0.76%। इस तरीके से नवंबर सन 2000 को राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य बना था। कौन सा राज्य अलग हुआ था? जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो 1 नवंबर सन 2000 को क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला या सबसे बड़ा राज्य बन गया था। इसके बाद इसका अगर प्रतिशत में देखें भारत के संदर्भ में, कि भारत के संदर्भ में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 10.41%। और 10% क्षेत्रफल रखने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। तो इसमें से आंसर होगा आपका सी, यह देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। पहला ऑप्शन 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट पश्चिमी देशांतर। बी ऑप्शन है 78 डिग्री 17 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। सी है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और डी ऑप्शन है आपका 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो क्या आंसर होगा इसका? सी। संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध, वो सॉरी संपूर्ण विश्व की बात करें तो ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री जब देशांतर की बात करते हैं तो राजस्थान की स्थिति लगभग यहां है, और देशांतरीय स्थिति के अनुसार ये पूर्वी गोलार्ध में है। इसलिए राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार होगा वो किसमें होगा? पूर्वी देशांतर। तो इसमें ऑप्शन है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। राजस्थान के बीचों बीच से अगर कोई देशांतर गुजरता है तो वो कौन सा है बताइए? इसमें ऑप्शन है 71, 74, 75 और 27। तो इसमें आपका आंसर होगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के बीचों बीच से गुजरता है। यही हम बात करें, जब ये बीचों बीच से गुजर रहा है तो इसकी चौड़ाई, वो सॉरी लंबाई, तो लंबाई कितने किलोमीटर है? ये लंबाई को इंगित कर रहा है देशांतर, बीचों बीच गुजर रहा है। ठीक है, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि का दिन है, यानी सबसे लंबी अवधि का दिन कौन सा है? ऑप्शन है आपके 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून। तो सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। नेक्स्ट देखिए,
राजस्थान में कर्क संक्रांति व मकर संक्रांति होती है, कौन सी तिथि को होती है? ऑप्शन ए 21 जून व 14 फरवरी, 21 जून व 14 फरवरी। छठा क्वेश्चन देखो, छठे क्वेश्चन की बात हो रही है, पांचवा बताओ। 21 जून व 14 फरवरी, बी ऑप्शन है 21 मार्च व 23 सितंबर, सी ऑप्शन है 21 जून व 14 जनवरी, डी ऑप्शन है 21 जून व 22 दिसंबर। तो दो स्थिति है यहाँ, कार्क संक्रांति और मकर संक्रांति, किस किस तिथि को होती है ये? देखिए, कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है तो उस क्रिया को कहते हैं संक्रांति, इसलिए कर्क रेखा पर सबसे सीधा सूर्य कब चमकता है? 21 जून को, तो कर्क संक्रांति होगी आपकी 21 जून। मकर संक्रांति की बात करें तो जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वो तिथि कौन सी होती है? 22 दिसंबर। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? डी। अब देखिए, राजस्थान में दिन रात समान होते हैं, दिन रात समान होने की स्थिति कौन सी तिथि को है? 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर, बसंत व शरद विषु, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें डी ऑप्शन होगा, बसंत विषु। देखिए, मान लीजिए सूर्य है आपका, और सूर्य की किरणें जब सीधी भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री पर पड़ती हैं तो उस क्रिया को कहते हैं विषुव, ठीक है? और इस विषुव क्रिया में दोनों गोलार्धों में दिन रात समान होते हैं, तो इस तरह की स्थिति एक बार 21 मार्च को बनती है, और फिर दोबारा जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो 23 सितंबर को ये स्थिति पुनः बनती है। तो ये दोनों तिथि कैसी हैं? जिस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात समान होते हैं, और ये क्रिया कहलाती है विषुव क्रिया। तो 21 मार्च को हो जाता है आपका बसंत विषु, और 23 सितंबर को हो जाता है आपका शरद विषु, ठीक है? इस तरीके से इसमें ऑप्शन होगा डी, बसंत व शरद विषु को दिन रात समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक बड़ा जिला राजस्थान का कितना प्रतिशत है? तो इसमें ऑप्शन है 10.41, 12.66, 11.22, 7.9। तो कितना प्रतिशत है? 11.22%। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जो अपने संपूर्ण राज्य का तकरीबन 11.22% भूभाग रखता है। नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान का न्यूनतम भूभाग वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम भूभाग वाला ऑप्शन देखिए, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, कौन सा होगा? दौसा। इसमें ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपके, क्योंकि इसमें अगर राजस्थान के सबसे छोटे जिले की बात करते हैं तो वो है आपका धौलपुर, ठीक है? और उसके बाद नंबर आता है दौसा का, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, ठीक है? इस तरीके से इसमें ऑप्शन धौलपुर नहीं दे रखा, तो दूसरा है आपका दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक भूभाग वाला जिला है,
बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जैसलमेर। तो कौन सा जिला होगा इसमें? जैसलमेर। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला 1% से भी कम क्षेत्रफल रखता है? तो जब हम धौलपुर के क्षेत्रफल की बात करते हैं, 3034 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण राजस्थान का 0.89% है, यानी 1% से भी कम है, और ये राजस्थान का एकमात्र जिला है जो 1% से कम क्षेत्रफल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला केंद्रीय स्थिति रखता है? राजस्थान का कौन सा जिला केंद्रीय स्थिति रखता है? अगर राजस्थान की बात करें इस तरीके से पतंगाकार, तो राजस्थान के सेंटर में कौन सा जिला है? केंद्रीय स्थिति का मतलब है मध्यवर्ती जिला या मध्य जिला, तो इसमें मध्य जिला होगा आपका नागौर। नागौर जिला भी केंद्र मध्यवर्ती स्थिति रखता है। किसमें? नहीं, नागौर है इसका आंसर, ध्यान रखना। केंद्रीय स्थिति का मतलब है कि कोई क्षेत्र है, उसके मध्य में कौन सा भूभाग है। तो मध्य स्थिति, वैसे अजमेर है, उसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा का कितने प्रतिशत है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा का कितने प्रतिशत है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसमें ऑप्शन है देखिए, 12.66, बी ऑप्शन है 15.7, और सी ऑप्शन है 20.9, और डी ऑप्शन है 18.07%। कौन सा होगा? 18.07%, क्योंकि संपूर्ण जो स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर, और इसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ है 1,070 किलोमीटर। अगर इसका प्रतिशत हम कैलकुलेट करते हैं तो 18.07% के लगभग क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं। कौन कौन से? SBBJ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, और इनमें सबसे बड़ा है आपका जैसलमेर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है जोधपुर, हनुमानगढ़, नागौर और जालौर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती जिला कौन सा है? इसमें आंसर होगा आपका जालौर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जो जिला है वो है आपका जालौर। हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतर्राज्य सीमा पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है आपके जैसलमेर, झालावाड़, उदयपुर, बाड़मेर।
क्या आंसर होगा इसका? क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतरराज्य सीमा पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा जिला ये होगा आपका बाड़मेर। देखिए क्षेत्रफल की बात कर दी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले आता है जैसलमेर, उसके बाद आता है बाड़मेर, ठीक है। और बाड़मेर अगर सीमावर्ती जिलों की बात करें तो बाड़मेर अंतरराज्य सीमा पर स्थित है, इसलिए अंतरराज्य सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला बाड़मेर होगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है ना वो, हाँ यहां क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ वो सीमा की अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई के अकॉर्डिंग सर्वाधिक सीमा लगती है झालावाड़ की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? ये आपकी कर्क रेखा है, ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ये प्रतापगढ़, क्या आंसर होगा? कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय, देखिए इसमें आंसर होगा आपका प्रतापगढ़। कैसे होगा? बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजर रही है, और डूंगरपुर की बात करें हम तो डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए निकल रही है। अगर इससे स्थित जिला कोई दूर है और वो नजदीक है, यानी बिल्कुल इसकी ना तो कर्क रेखा इसको स्पर्श कर रही और ना ही गुजर रही, इन दोनों स्थितियों के अलावा अगर देखते हैं स्थिति तो सबसे नजदीक है प्रतापगढ़ की। दोनों स्थिति बताई ना मैंने, इसको डूंगरपुर को स्पर्श करता है, डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसकी बात करें बांसवाड़ा की, तो इसके मध्य से गुजरती है। इन दोनों को छोड़ के अगर देखें हम कर्क रेखा से, बिल्कुल सबसे नजदीक जो होगा वो होगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर है, तो सर्वाधिक निकट शहर ऑप्शन बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, बोरकुंडा, कुशलगढ़। बताओ, बोरखेड़ा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला है ऑप्शन प्रतापगढ़, बारा, झालावाड़, उदयपुर। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। जब हमने सूर्य की किरणों की सापेक्षता पढ़ी थी, यानी तिरछेपन और सीधेपन में, तो वहां अक्षांश विस्तार बताया था, तो सबसे पहले कौन सा आता है? बांसवाड़ा, फिर उसके बाद डूंगरपुर, और फिर उसके बाद आता है प्रतापगढ़, फिर आता है झालावाड़, और फिर उसके बाद आता है उदयपुर, इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी एच हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति है विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार, रोम्बस, बहुभुजाकार, तो इसमें क्या आंसर होगा? रोम्बस।
ये लैटिन वर्ड है जो कि प्रोफेसर टी एच हैंडले द्वारा प्रयुक्त किया गया था। इसका अर्थ अगर हम देखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है पतंगाकार या पतंग के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा अक्षांश है। ए ऑप्शन 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो पूर्वी देशांतर। बी ऑप्शन है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सी ऑप्शन है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और डी है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या आंसर होगा? राजस्थान के बीचों बीच से जो गुजरता है वो आपका 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश। अभी इसमें से